हेलो फ्रेंड्स, स्वाद के निवाले में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मसाला ओट्स की रेसिपी। ओट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई रख दिए हैं गैस पे, और इसमें 2 टीस्पून के करीब तेल डाल दिए हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं जीरा। जीरा जब हल्का सा भुन जाएगा तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन। दोनों को थोड़ा सा हल्का सा हम भून लेंगे। ये रेसिपी बहुत झटपट बनती है लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्थ के हिसाब से तो बहुत ही फायदेमंद होता है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं इसको अगर ब्रेकफास्ट में लें तो बहुत अच्छा, पेट भी भर जाता है और टेस्टी भी होता है। अब इसमें डाल देते हैं प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ है। प्याज हल्का सा हो गया है, अब इसी समय में हम सब्जी ऐड कर देते हैं। सब्जी आपके पास जो सब्जी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। अगर नहीं आपको सब्जी पसंद है तो आप गाजर, मटर और टमाटर से ही बना सकते हैं, लेकिन हम खूब सारी सब्जियों से बना रहे हैं ताकि ये टेस्ट भी बढ़ जाए और हेल्दी भी हो जाए। अब इसमें थोड़ी सी गोभी डाल दिए हैं, फूल गोभी। इसी के साथ हम थोड़ा सा बीन्स डाल दे रहे हैं और गाजर। ऐसी किसी भी रेसिपी में अगर आप सब्जी डाल दीजिए तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, और जो सब्जी नहीं खाते हैं उसको इस तरह से सब्जी खाने को भी मिल जाएगा। बहुत से लोग होते हैं बहुत तरह की सब्जी नहीं खाते हैं, इस तरह की अगर बनाइए तो सब्जी का टेस्ट नहीं पता लगता, आपको अच्छा लगेगा खाने में। इसी के साथ थोड़ा सा मटर डाल दे रही है, हमारा फ्रोजन मटर है। अगर आपके पास ताज़े मटर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। बहुत से लोग रात में दूध में ओट्स भिगा करके उसमें फ्रूट डाल करके खाते हैं, लेकिन अगर आपको मीठा नहीं खाना पसंद हो तो आप इस तरह से नमकीन बना के ओट्स खाइए तो आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इसी के साथ एक पैकेट हम मैजिक मसाला, जो मैगी वाला होता है, वो हम डाल देंगे इसमें। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। सब्जियों को बहुत पकाना नहीं है, इसका क्रंच मेंटेन रहे बस जितना भर हमें इसे पकाना है। अब टमाटर गलने के लिए हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो रात में सब्जी काट के रखिए, सुबह ओट्स बनाइए और ले करके भी जा सकते हैं ऑफिस, और आप उसको खा भी सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनने वाला डिश है और बहुत टेस्टी बनता है। अब इसी के साथ ये ओट्स हम डाल दे रहे हैं। ये हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं ओट्स अपने हिसाब से। ये हम प्लेन ओट्स लिए हैं,
अगर आपको ये नहीं मिलता है या नहीं आपके पास है तो आप फ्लेवर वाला ओट्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप प्लेन ओट्स से ही बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हमारा मिल गया है अच्छे से, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। अब जिस कटोरी से हम ओट्स लिए थे पौना कटोरी के करीब, उसी से हम डेढ़ कटोरी के करीब पानी डाल देंगे। और इसको ढक करके हम पकने देंगे। पहले अच्छा से मिला लेंगे, इसके बाद फ्लेम को एकदम लो में कर देंगे और इसको ढक करके कम से कम 5 मिनट तक पकने देंगे। आइए देख लेते हैं कि हमारा ओट्स बना कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसके ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया और आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा सब्जियों से भरा हुआ ओट्स बन करके तैयार है। एक बार इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।